आज हम बनाने जा रहे हैं कुल्थी की दाल का सूप। ये मैं दो लोगों के लिए बना रही हूँ। आधा कप कुल्थी की दाल ली है, 3 कप पानी डालकर ओवरनाइट भिगो दिया। तो वही पानी हम लोग सूप में यूज करेंगे। 2 टेबलस्पून मक्खन, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/4 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून जीरा भुना हुआ पिसा हुआ, आधा नींबू का रस। आप अगर ज्यादा खट्टा खाना चाहते हैं तो पूरा भी डाल सकते हैं। नमक स्वाद अनुसार या 1/2 टीस्पून, कुछ धनिया पत्ते और फ्रेश क्रीम गार्निश के लिए। सबसे पहले हम दाल को प्रेशर कुकर में बॉईल करेंगे। इसमें डालेंगे दाल और सीटी आने के बाद 15 मिनट इसको और पकाएंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए और गैस सिम पे करेंगे। अभी गैस फुल पे रखनी है सीटी आने के पहले। कुकर करेंगे बंद। रिफिल हो गई है, अब हम गैस को करेंगे सिम पे और इसको 15 मिनट तक दाल पकाएंगे। 15 मिनट हो गए हैं, अब हम गैस करेंगे बंद और प्रेशर कम होने पे कुकर खोलेंगे। कुकर का प्रेशर कम हो गया, अब हम कुकर खोल के देखते हैं। दाल हमारी गल गई है, अब इसको हम छान लेंगे। दाल को हमने छान के अलग कर लिया है और जो नीचे पानी बचा है उसको हम सूप में इस्तेमाल करेंगे। अब दाल का हम ग्राइंड करके फाइन पेस्ट बना लेंगे। दाल का हमने फाइन पेस्ट बना लिया है। पेस्ट बनाने के लिए थोड़ा हमने जो दाल में से पानी निकाला था उसमें से थोड़ा पानी यूज किया है। तो अब हम सूप बनाते हैं। कढ़ाई में मक्खन डालेंगे। मक्खन पिघलेगा तो इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट डालेंगे। गैस मीडियम पे रखेंगे। मक्खन हमारा पिघल गया, गैस करेंगे सिम पे और इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट डाल के भूनेंगे और इसको हल्का ब्राउन करेंगे। लहसुन अदरक भुना गया है, अब इसमें हम ये जो दाल में से बॉईल करने के बाद पानी बचा था ये डालेंगे। गैस मीडियम पे कर देंगे और सब ये मसाले डालेंगे। भुना हुआ जीरा, काली मिर्च और नमक अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस मीडियम पे रखनी है और जो ये दाल की पेस्ट बनाई है इसको भी डाल देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया मिक्स करेंगे अच्छे से। अगर आपको सूप गाढ़ा लगे तो इसमें और पानी भी मिक्स कर सकते हैं और इसको हम अभी 7-8 मिनट के लिए पकाएंगे। इसमें नींबू का रस भी डाल देंगे। आप इमली का पल्प भी डाल सकते हैं, खटाई कोई भी। हम नींबू का रस डाल रहे हैं। मिक्स करेंगे अच्छे से। बीच बीच में गैस कम और मीडियम करते रहिए। सूप हमारा तैयार हो गया। गैस करेंगे बंद। इसको तकरीबन हमने 5-6 मिनट पकाया है लो मीडियम आंच पर। तो अब इसको हम सर्व करेंगे। सूप को क्रीमी बनाने के लिए इसमें थोड़ी हम फ्रेश क्रीम यूज करेंगे क्योंकि ये कुल्थी की दाल थोड़ी खुश्क होती है, तो इसमें हम फ्रेश क्रीम भी डालेंगे और मिक्स करेंगे अच्छे से। तो ये रही हमारी आज की डिश, कुल्थी का सूप। ये बहुत गर्म होता है और सर्दियों में ही इसे पीना चाहिए। बहुत हेल्दी सूप है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें अपना फीडबैक दीजिए। हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।